तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यजमान का मॉडल है, तो आज हम लोग फ्यूल टाइमिंग इसका करने वाले हैं। फ्यूल टाइमिंग करने के लिए हम लोग को पहला इस गियर को जो है ये गियर को इसमें एंगेज करके उसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बाद में उसका पोजीशन आना चाहिए 16, मतलब जो यूनिट का कर रहे हो आप, जैसे 1 यूनिट का कर रहे हो तो ये पोजीशन आना चाहिए 160 मीन्स टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन में आने के बाद में इसको यहाँ चेक करना है। ये देखिए यहाँ वो आप देख रहे हैं बॉटम नट, ये बॉटम नट को लूज़ करके, इस बॉटम नट को लूज़ करने के बाद में फिर इसको और एक टर्न करना है। इस गियर को एंगेज करके और एक टर्न मारना है, इसको सेम पोजीशन में ला करके 160 टॉप पोजीशन में ला के वो नट को सीधा टाइट कर देना है। बस ये काम हो गया, फिर गियर को सिक्योर कर देना है। ऐसे हर यूनिट का कर सकते हैं, ऑल यूनिट ऑल सेम। ओके, तो ये है फ्यूल रैक टाइमिंग, फ्यूल रैक का टाइमिंग इसको बोलते हैं। ओके।